दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि UPI 123 पे से किस तरह से रिचार्ज किया जाता है। जी हां, आप बिना इंटरनेट की मदद से या छोटे वाले फ़ोन से भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होने वाला है स्मार्टफोन प्लस फीचर फ़ोन यानी कि छोटे वाले फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है इस नंबर से आपको कॉल लगाना है, जो आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसी से कॉल लगाना है और यहाँ पे आप भी आसानी तरीके से मनी ट्रांसफ़र कर सकते। और ये छोटे वाले फ़ोन यानी कि कीपैड वाले फ़ोन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक पे लगभग 3 वीडियो बन चुके हैं और किस तरह से आपको UPI सेटअप करना है तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिथुन कुमार पंडित अल्ट्रा कैश भीम वॉइस में आपका स्वागत है। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं। यदि आप जिस नंबर से कॉल कर रही हैं उसे रिचार्ज करना चाहते हैं तो 1 दबाएं और यदि आप किसी अन्य मोबाइल नंबर को रिचार्ज करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आप रिचार्ज करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर 620 के साथ जुड़ा हुआ है एयरटेल। पुष्टिकरण के लिए 1 दबाएं, ऑपरेटर बदलने के लिए 2 दबाएं, एयरटेल को चुनने के लिए 1 दबाएं, वोडाफोन आइडिया को चुनने के लिए 2 दबाएं, जियो को चुनने के लिए 3 दबाएं, BSNL को चुनने के लिए 4 दबाएं। कृपया रिचार्ज की राशि दर्ज करें। आपको पता होनी चाहिए कि आप कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 99 का रिचार्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पर किए इतना रुपये का हमको रिचार्ज करना है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि आपको 719 का रिचार्ज करना है या और भी अमाउंट का रिचार्ज करना है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आप रिचार्ज कर रहे हैं 99 रुपए। कृपया 4 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 07। बहुत अच्छी, आपका मोबाइल सफलतापूर्वक रिचार्ज हो चुका है। ट्रांजैक्शन की जानकारी SMS द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। आप यहां पे देख सकते हैं मैसेज में लिखा हुआ आ गया है कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है और ट्रांजैक्शन का जो डिटेल्स आपका SMS पे आ चुका है। ये हम एयरटेल एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं रिचार्ज हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 दिन 99 रुपया रिचार्ज और यहाँ पे MB भी कुछ यहाँ पे मिला है। तो दोस्तों आप इस तरह से जो है अल्ट्रा भीम वॉइस के माध्यम से यानी कि UPI 123 पे के माध्यम से आप रिचार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक कॉल की मदद से। तो आप अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।